17-18 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में दिख रहा था कि एक सरदार को कुछ पुलिस वाले मार रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले निहत्ते हैं और सरदार के पास कृपाण है। मामला गंभीर हुआ और सिख समुदाय ने नारेबाजी और घेराव करना शुरू किया। कार्रवाई हुई, कार्रवाई के तौर पर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, एक नया मोड़ आया है। क्या नया मोड़ आया है, ये जांच क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दी गई और क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान सरबजीत जो ड्राइवर है, जो सरदार है, उसके आपराधिक रिकॉर्ड को जांचना शुरू किया। तो एक चीज पता चला कि सरबजीत के खिलाफ पहले भी एक FIR हुआ है। वो FIR 3 अप्रैल 2019 को हुआ था। किस मामले में हुआ था और क्यों हुआ था ये भी बताऊंगा आपको। ये FIR मारपीट का मामला था। दरअसल बंगला साहिब के सेवादार मंगल सिंह के अनुसार उन्होंने ही ये FIR दर्ज करवाई थी। FIR क्यों दर्ज करवाई थी, क्योंकि बंगला साहिब में सरबजीत ये जो टैक्सी ड्राइवर है, ये अपने बेटे के साथ कई दिनों से वहां पर लगातार रह रहा था। सेवादार ने पूछा कि इतने दिनों से क्यों हो, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और भागने लगा। सेवादार मंगल सिंह ने कुछ लोगों की मदद से सरबजीत को पकड़ने की कोशिश की। पकड़ा तो सरबजीत ने मंगल सिंह को मारना पीटना चालू कर दिया और इसी मारपीट में सरबजीत जो टैक्सी ड्राइवर है, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसने मंगल सिंह सेवादार का हाथ तोड़ दिया था। इसके बाद ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में सरबजीत के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी मारपीट को लेकर, और उसमें सरबजीत की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये नया मोड़ कहाँ से आया? दरअसल 17-18 जून को जब ये वीडियो वायरल हुई तो सिख समुदाय ने प्रदर्शन करना चालू कर दिया और उन्होंने अपनी मांग के तौर पर रखा कि पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, और दूसरी बात ये रखी कि सरबजीत जो टैक्सी ड्राइवर है, उस पर से जितनी भी धाराएं लगी हुई हैं वो हटा दी जाए। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन धाराएं हटाने से पहले उन्होंने जाँच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है और क्राइम ब्रांच इस पर जांच कर रही है। उन्होंने ये पाया है कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी था। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और सतर्क दिख रही है। फिलहाल यहीं तक, आगे कुछ अपडेट आएगा तो वो भी लाते रहेंगे हम आपके बीच। देखते रहिए पॉलिटिक्स, लाइक करिए हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अब आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। पॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।